दर्शकों, अभी हमारे साथ संगत राम जी हैं। और संगत राम जी, पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने क्या क्या अपने खेतों में क्या क्या फसलें उगाई थी। हमारे फसल तो हमारे सेब और पलम वगैरह, सब्जी वगैरह इत्यादि सारी सब्जियां होती है, तो सब ने बीजी है। सब्जी भी बीजी है, टमाटर है, आलू है, कोई और सब्जियां हैं, तो सेब भी लगाए हैं, सेब भी सबके पास है और पलम भी सबके पास। पलम सब गिर करके ख़त्म हो गए हैं और फूल नहीं होने की वजह से यहाँ पलम की फसल थी वो सारी तबाह हो गई। खेतों में मतलब जो पेड़ों पर ही गिर गए और सड़कें खराब हो गई, सड़ गई और मिट्टी मिट्टी बन गई उसकी। तो यहाँ पर प्रशासन भी कोई नहीं आया। अच्छा। कोई पूछने नहीं आया कि भाई यहाँ से किसी की तकलीफ है, दिक्कत है या कुछ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई नहीं आया। प्रशासन कोई नहीं आया और ना ही विधायक आया। विधायक आया है परे परे से, सड़क से सड़क सीधा अपने होटल में कसोल जा करके ठहरा है। दो तीन बार ही आया है लेकिन अपने होटल तक ही आया, वो सीमित वहीं तक सीमित है। तो अब तो आपकी सेब के सेब का सीजन भी चला होगा ना, तो सेब का क्या है अभी? अभी तैयारी है, सेब की तैयारी है अभी। अच्छा। अभी चला नहीं है, अभी चलने वाला है। 15 अगस्त को तो शुरू हो जाता है, तो उससे पहले पहले चलता हमारा यहाँ तो। लेकिन यहाँ झूले से कैसे काम चलेगा, पुल तो है नहीं। अब ये पीडब्ल्यूडी वालों का पुल लगाया था, 5 तारीख को उद्घाटन हुआ था, 9 तारीख को ख़त्म हो गया। दर्शकों, ये भी हम बताना चाहेंगे क्योंकि बहुत डिमांड थी यहाँ। पहले जो पुल था वो टूट चुका था, फिर दूसरा पुल बनाया और वो जस्ट उद्घाटन हुआ था, उसके 1-2 दिन के बाद वो पुल जो है वो बह गया था, जो तबाही हुई थी। इसके अलावा संगत राम जी, और जो सब्जियाँ हैं वो भी लगाई आपने अपने खेतों में? कौन कौन सी सब्जियाँ लगाई हैं? शिमला मिर्च लगाते हैं और बैंगन लगाते हैं, ये चीज़ें लगती है हमारे यहाँ। इससे लगाते तो हैं लेकिन अब आगे बाज़ार को ले जाने को नहीं होगा तो क्या करेंगे, वो खाएंगे कितना। वैसे कितने के पलम बेचते थे आप हर बार जब? मेरे पास करीबन कोई 100 पेड़ होंगे। अच्छा। पर उतने बड़े पेड़ नहीं है, थोड़े छोटे हैं। तो उसमें कोई 60-70 क्रेटे निकलती है, उससे ज़्यादा नहीं निकलती है, 60-70 क्रेटे निकलती है। वो उसका तो अब इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं, कभी सब्जी मंडी में ज़्यादा भाव होता है, कभी कम होता है, तो यानी कि इतना नुकसान सबका हुआ, ऐसे नुकसान। तो इस बार एक भी क्रेट नहीं बेची? एक भी नहीं, किसी ने भी जीरो। पूरे गांव वाले के जिसके भी पलम थे ना, एक क्रेट नहीं, एक भी पलम नहीं बेचा, सारा ख़त्म है। तो सरकार ने कोई नहीं पूछा है कि भाई क्या दिक्कत है, क्या तुम्हारी तकलीफ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ देखो अभी पार्वती नदी बनने के कारण पुल भी चले गया, लोगों के घर चले गए, तो यहाँ पर जो है ना हमारा टूरिज़्म था, टूरिज़्म भी हमारा ख़त्म हो रहा है क्योंकि पुल नहीं होगा, आने जाने के लिए नहीं होगा तो टूरिज़्म कैसे चलेगा। तो ये सबसे पहले तो सरकार से यही है कि भाई बाकी बातें छोड़ करके ही पुल लगाएं, बाकी लोग अपने आप ही करेंगे, लेकिन पुल चाहिए हमारे को सबसे पहला नंबर है हमारा ये। और प्रशासन से मेरा सबसे पहले तो प्रशासन से मेरा बड़ा ये है कि क्यों क्यों लोगों को क्यों नहीं पूछने आए, क्यों दिक्कत तकलीफ को क्यों नहीं पूछा। इनका ये कहना है कि अभी तक यहाँ प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई भी नहीं आया इस दुख की घड़ी में साथ देने के लिए। और सबसे बड़ी डिमांड है इनकी इस पुल की, क्योंकि उसकी वजह से इनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, फसलों का, सब्जियाँ जो है खेतों में ही बर्बाद हो गई, और जो पलम की फसल जैसे इन्होंने बोला कि वो भी सड़कें ख़राब हो गई। अब इनको इंतज़ार है कि सेब जो है, सेब का सीज़न सिर पर है, और इस बार भी अगर ये सही से नहीं निकला तो मुश्किल रहेगी। और भी बहुत सारे किसान बागवान होंगे संगत राम जी? बहुत हैं। पूरा गांव इलाका, पूरा छलाल और कटागड़ा दोनों गांव में हमारे फल भी होते हैं और सेब वगैरह इत्यादि सब होता है, लेकिन अब मजबूर है, क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ क्या करें। सरकार को अब फंसी नहीं, हमने कई बारी सरकार को अवगत भी कराया लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। सेब का बगीचा भी आपका है? छोटा मोटा है। अभी तैयारी नहीं हुई, अभी तैयारी होने वाली है। संगत राम जी, ये बताइए, ये जो पुल है यहाँ पर, जो पुल था पहले, इस पुल को कितने गांव, इस पुल के ना होने से कितने गांव प्रभावित हुए होंगे? 3 गांव हैं, 4 गांव एक स्टोना में, स्टोना, कटागला, छलाल, रसूल, जिसकी जनसंख्या करीबन 4,500-5,000 के करीब है। तीनों गांव की जनसंख्या इतनी है। अच्छा। तो ये सारे परेशान हैं कि पुल नहीं है, पुल नहीं होने के कारण जो है सब जो वो वैसे ही परेशान पड़े हुए हैं, और सरकार से कुछ बोला तो कुछ हो नहीं रहा। तो ये चीज़ें हैं, तो हमें इस चीज़ का दुख है कि भाई लोगों को चलने के लिए रास्ता हो, सड़क हो, पुल हो, तब लोगों को आना जाना ठीक होगा।
यहाँ पर जो लोग हैं वो नाशपाती, पलम और सेब और बहुत सारी सब्जियाँ उगाते थे, और काफ़ी जो है नुकसान इस बार उनको हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जैसे पलम की फसल होगी या फिर नाशपाती की होगी या सब्जियाँ होगी, वो सड़कें यहीं पर ख़त्म हो चुकी। इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा क्योंकि वो सब्जी मंडी तक पहुँच ही नहीं पाई, पुल जो है वो नहीं है यहाँ पर, और ट्रॉली के माध्यम से ही जो है लोग भी आ जा रहे हैं, हमारी टीम भी यहाँ तक पहुँची ट्रॉली के माध्यम से, तो इसलिए जो है ये जो फसलें हैं ये सब्जी मंडी तक नहीं पहुँच पा रही हैं। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।